खबर आगरा जनपद से, जहां मगोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर छोटे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने आई महिला डॉक्टर द्वारा आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसमें महिला कर्मचारी ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही है। मामला मथुरा के मगोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहाँ आज गोवर्धन स्वास्थ्य केंद्र से छोटे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने डॉक्टरों की टीम आई थी। वही केंद्र पर छोटे छोटे बच्चों को सुबह से स्कूल बुलाकर कई घंटों तक बैठाए रखा, जिससे बच्चे व उनके परिजन परेशान होने लगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात नीलम चौधरी ने परेशान बच्चों की समस्या को टीम के साथ आई महिला डॉक्टर राजेश चौधरी से अवगत करा जल्द जांच की मांग की, तो महिला डॉक्टर और आंगनबाड़ी कर्मचारी में कहा सुनी हो गई, जिसे लेकर नीलम आंगनबाड़ी ने महिला डॉक्टर राजेश पर अभद्रता व गाली गलौज का आरोप लगाया। नीलम आंगनबाड़ी ने मीडिया से रोते हुए कहा कि एक महिला डॉक्टर को ये सब शोभा नहीं देते, उसके साथ किए गए इस दुर्व्यवहार की जो वो अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत करेगी। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र को बुलाए गए बच्चों के परिजनों ने भी कई घंटों तक बिठाए रखने व परेशान करने की बात कही। ये हम शांति से बात करें, इसे मत बनाइए। मैं आपसे आपसे बदतमीजी से बात की क्या? मैंने आपसे मैंने क्या ऐसा कहा? आपने आज क्यों कहा? आपने मुझे बदतमीजी क्यों बोली? आप मुझसे ये बताइए। मैं तो बोली नहीं। क्यों नहीं बोली? आपने मन में कुछ नहीं क्या समस्या बोली? क्या समस्या? समस्या कुछ नहीं थी, बजट लेने आई थी। मैंने कहा मैडम मेरे छोटे बच्चे सेंटर पर सहायता नहीं है, आप मेरे कमरे बजट ले लो। सुबह से लाभार्थी आए हुए बैठे, तो वो कह रहे कि तुम बेशरम हो गई, बदतमीज हो गई, मैं उस कमरे में बजट लूंगी, तुम्हारे कमरे में क्यों बजट लूं? तुमको शर्म नहीं आती है? डॉक्टर का क्या नाम है? राजेश चौधरी। गोवर्धन से हैं जी? आपसे बदतमीजी की है? बदतमीजी से बात की है मुझसे?